बात बहुत अच्छा, दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत हो रही है 100%। जेडीयू और आरजेडी का विलय होना तय है, इसके बाद इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा। अब कोई आदमी कहे कि आप बीमार हैं, अगला समझ ही नहीं रहा कि हम बीमार हैं, डॉक्टर क्या कहे। नीतीश कुमार को डर है कहीं जेडीयू टूट ना जाए, कई सारे नेता जो है उनके संपर्क पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में क्या महागठबंधन के बनने के बाद अब जेडीयू और आरजेडी का विलय होना ही बाकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ये दावा कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि मैं लिख कर देता हूँ आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू का विलय होना तय है। इस वक्त हमारे साथ अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आज सर उपचुनाव हो रहे हैं गोपालगंज और मोकामा में, खूब प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, क्या फीडबैक आ रहा है? बहुत अच्छा, दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत हो रही है 100% भारी मतों से। अच्छा, आप लोगों ने महागठबंधन बनाया है, उसके बाद से बीजेपी ये दावा कर रही है, सुशील मोदी ये कह रहे हैं, कल ही उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ जेडीयू और आरजेडी का विलय होना तय है, इसके बाद इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा है। अब मोदी जी ज्योतिषाचार हो गए हैं तो हमको आइडिया नहीं है उसका, हम उसकी जानकारी नहीं है कि भविष्यवाणी भी करने लगे हैं, ज्योतिष भी देखने लगे हैं, तो उनके अपना है, उस किस 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 विषय पर किस परिस्थितियों में बोलते हैं तो उनका काम है। लेकिन हम तक दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आपके नेता यानी कि नीतीश कुमार को डर है कि कहीं जेडीयू टूट ना जाए, कई सारे नेता जो है उनके संपर्क में है। पता नहीं, उन्हीं को बहुत, अपनी पार्टी से ज़्यादा हमारी पार्टी की चिंता उन्हीं को रहती है, लेकिन हम लोगों को मतलब कोई सब चीज़ों से ना हम लोगों को कोई मतलब है, इस तरह के बयानों से कोई मतलब है ना, इस तरह का। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सशक्त रूप से महागठबंधन में है और हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में हम पूरी ताकत के साथ मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, सरकार का काम भी कर रहे हैं। दिखाइएगा ना अपनी पार्टी को, जब वो दावा कर रहे हैं कि आपके कई सारे नेता उनके काहे के लिए, हम लोगों को कोई आदमी कमजोर होता है उसको ना होता है कि अब कोई आदमी कहे कि आप बीमार हैं, अगला समझ ही नहीं रहा कि हम बीमार हैं, तो डॉक्टर क्या कह के लिए जाएंगे। हम नीतीश कुमार से इतना लगाव लगता है सुशील मोदी का पहले था, लेकिन अब खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया ना भाई कि अब ऐसा है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में तो कोई नोटिस ले नहीं रहा है, तो हैसियत तक बता दिया था। हाँ, वो कोई नोटिस ले नहीं रहा है, तो नेचुरली पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए जब तक कि आप कुछ कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दीजिएगा, कोई आउट ऑफ बॉक्स बातें बोलिएगा नहीं, तो हु इज गोइंग टू टेक नोटिस। वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं अब सीएम बनेंगे, लालू जी अवस्थी उसे सीएम बनवा देंगे। अब मोदी जी, हमको नहीं पता है कि मोदी जी फोरकास्ट करने लगे हैं, पॉलिटिकल फोरकास्ट करने लगे हैं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। एक और सवाल है, अब अमित शाह भी आ रहे हैं बिहार, दो दफ़ा आपने देखा दौरा हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि वो नालंदा आएंगे दिसंबर महीने में, लगता है कि एक बिहार में जो गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है उसमें बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? काहे का कामयाबी, हमको नहीं लगता। अमित शाह वोटों को टर्नआउट कराते हैं, एकतरफा कराते हैं। 15 में भी तो सब लोग करा ही रहे थे ना, 15 में भी तो पूरी 15 में तो भाजपा मजबूत थी ना और सशक्त थी, अभी के समय की भाजपा से ज़्यादा मजबूत भाजपा थी। नहीं, अब तो चिराग पासवान भी चले गए ना उनके साथ, क्या फर्क पड़ता है? चिराग पासवान चले गए, चिराग पासवान जब उधर जाएंगे तो सब जितना महादलित है इधर कंसोलिडेट करेंगे, उसमें क्या फर्क, उससे आप लोग और फायदा ही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल फायदा ही है। अशोक चौधरी वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, आप कह रहे हैं कि हाँ जेडीयू में सब कुछ ठीक है और इस वेल है। नहीं, काहे कि बार बार ये सवाल क्यों पूछते हैं आप लोग? क्योंकि विरोधी बार बार ये बात बोल रहे हैं। अरे विरोधी बोलते हैं, अब तो विरोधी का क्या काम है? विरोधी बोलेंगे कि हाँ भाई जदयू और भाजपा महागठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है, बहुत स्ट्रांग जा रहा है, हम लोगों का पांव उखड़ रहा है, अभी रिजल्ट आने दीजिए ना दोनों चुनाव में, सब कुछ था लग जाएगा। देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आने वाले समय में, क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आप देख रहे होंगे। अशोक चौधरी बता भी रहे हैं, सुशील मोदी के सवालों का बखूबी जवाब भी दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।